सलाम की शान में गुस्ताखी की गई। आज इस मुबारक दिन पे हम उन्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक सरकार के गुलाम जिंदा है, जब तक ये सरकार के दीवाने जिंदा है, जब तक सरकार का जश्न मनाने वाले, सरकार के नामूस के नारे लगाने वाले, सरकार के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने वाले जिंदा है, हम नामूस रिसालत पे कोई नाच नहीं आने देंगे। और एक मुमताज कादरी क्या लाखों हजारों मुमताज कादरी तैयार है जो सरकार की नामूस पर मर मिटने के लिए तैयार है। आज हम उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं जिन्होंने ये नापाक जुरत की, नापाक साजिश हमारे नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पे हमला करके आपकी गुस्ताखी की। मैं मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, सब लोग हाथ खड़े करके मेरा साथ दें, ये मुतालबा करें कि जो फ्रांस के गुंडों ने, फ्रांस के बदबख्तों ने, फ्रांस के नई सदर ने हमारे आका की शान में हुकूमती लेवल पर गुस्ताखी की। मैं मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ फ्रांस के सफीर को हमारे मुल्क से किया जाए, इस मुल्क से निकाला जाए, अपना सफीर वापस बुलाया जाए। अगर मेरे मुताबिक की आप हमायत करते हैं तो अपने हाथ खड़े करें, अपने हाथ खड़े करें, नारा लगाएं, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में हक भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में हक भी कबूल है। मुमताज कादरी नहीं, आज हजारों लाखों मुमताज कादरी तैयार है सरकार की नामूस के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि फ्रांस के सफीर को इस मुल्क से भगाया जाए, उसके गले में जूतों के हार डालकर उसे इस मुल्क से बदतर किया जाए, अपना सफीर वापस बुलाया जाए। हमें इस मुल्क की सियासत से और कोई लगाव नहीं, बेशक जिसकी भी हुकूमत हो, हम अपने मुल्क के इदारों का एहतराम करते हैं, क्योंकि ये मुल्क हमारे आका बिरीन ने अपनी जानों के नजारे देकर हासिल किया। हम इस मुल्क के इदारों का एहतराम करते हैं, हम अपने पाक फौज से तमाम पाक फौज के इदारे, पाक फौज, पंजाब पुलिस और मुल्क पाकिस्तान के तमाम इदारों से आज इस 12 रबीउल अव्वल के इज्तिमा पे मुतालबा करते हैं कि जो फ्रांस के गुंडों ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, उन्हें पता चले कि हुजूर के गुलाम अभी जिंदा है और हुजूर के नाम पर अपनी जानों के नजराने देने के लिए तैयार है। आज तो मेरे नौजवान हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की जो जीनत है, वो अपने सियासी लीडरों की खातिर, अपने सियासी कायदे की खातिर तो एक दूसरे से रिश्ते खत्म कर देते हैं, एक दूसरे से